हाय गाइस, आपको ले चल रहा हूँ गुवाहाटी की साइंस सिटी में। दोस्तों, अगर आप समर वेकेशन पे, समर हॉलिडे पे आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं या गुवाहाटी में आप आ रहे हैं, तो यहाँ की साइंस सिटी जरूर विजिट करें। आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो फिर बहुत ही आवश्यक है कि आप यहाँ पे आए। यहाँ पे बच्चों को जरूर टहलाएं। ये देखिए, पार्क बना हुआ है। आप इस पार्क में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पुतलों को देख सकते हैं। पूरा साइंस सिटी आपको बारी बारी से घुमा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए, तो इसे दूसरों तक शेयर जरूर करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ गुवाहाटी में बना है साइंस सिटी, और वहाँ के पार्क में भी मैं चल रहा हूँ। आपको अभी मैं अंदर भी विजिट करूँगा और देखूँगा क्या क्या है यहाँ पर। एक ही चीज पे मेरी नज़र बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये साइंस सिटी। आप एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं तो यहाँ पे घूमने आया हूँ और मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, मुझे पसंद आया ये जगह। मैं उम्मीद करूँगा आप भी आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, इस साइंस सिटी को देखने। ये देखिए फाइटर जेट विमान, ये अब साइंस सिटी के अंदर में ले चल रहा हूँ आपको। ये देखिए, नल से पानी गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन नल का कहीं कनेक्शन नहीं आपको दिखेगा। ये अपने आप में एक अजूबे जैसा है। ये मैं आपको मछली घर बना हुआ है यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। मछली घर में आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियाँ आपको दिखने को मिलेंगी, जो बायो के स्टूडेंट हैं, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, उनको भी यहाँ विजिट करने ज़रूर आना चाहिए। उनके लिए बहुत कुछ सीखने की चीज़ है यहाँ पर। मैंने हर तस्वीर पर नज़र रखी हुई है, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें मित्रों, वाकई आपको अच्छा लगेगा। और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इनकी सारी फिश आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, सब के नीचे उनके नाम, उनके बायोलॉजिकल नेम जो भी है सब लिखा हुआ है। अब जब यहाँ पे आएंगे
तो इसे विस्तार से जरूर देखेंगे। ये ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें उस फिश के बारे में लिखा हुआ है, और ऐसे सारे हर जगह पे जो भी है का विस्तार से लिखा हुआ है। बच्चों को अलग से खेलने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। छोटे बच्चों के सीखने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरे बच्चे यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, कौशिकी है और कौस्तुभ है। यहाँ पे आपको ले चलिए बायो, ये यहाँ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है। और वो सारे जीवों के बारे में बताया गया है। खासकर मैंने फोकस किया हुआ था ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो मैं आगे चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है। मित्रों, अगर यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, मिनिमम 4 से 5 घंटे लगने हैं, तभी आप पूरा यहाँ पे पूरी चीज़ें आप देख सकते हो। मेरे पास समय कम था, मैं आपको फिर भी पूरा कोशिश करूँगा कि मेरे कैमरे से कुछ छूट न जाए, हर चीज़ आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। उम्मीद करूंगा कि आप उन्हें समझेंगे। ये साइंस सिटी गुवाहाटी में बहुत ही अच्छा बनाया गया है। अगर आप टीचर हैं और बच्चों का टूर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस साइंस सिटी को जरूर दिखाएं। अगर आप अभिभावक हैं और अपने बच्चों को टूर पर ले जा रहे हैं तो भी साइंस सिटी को ज़रूर विजिट करें। ये आपको मानव शरीर की संरचना है। और ये है नरकंकाल, सारे हड्डियों के बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। लीवर फंक्शन कैसे काम करते हैं, पाचन क्रिया के बारे में, और बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को आपको मिलेगा। ये हार्ट है,
ब्रेन कैसे काम करता है उसके बारे में भी आगे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। ये ह्यूमन ब्रेन, ये नसों का जंजाल, आगे चलते हैं देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ग्रहों नक्षत्रों के बारे में भी यहाँ पर अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। वर्ल्ड का ये पूरी पृथ्वी और पृथ्वी में ये जो आपको दिख रहा है हाईलाइटेड, ये है अपना इंडिया। और आगे बढ़ते देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो है ये देखिए सारे ग्रह हैं, नौ ग्रहों के बारे में। और ये आके ये जो आपको दिख रहा है कोल माइंस, कोल माइंस में कोयले की खदानों क्या क्या औजार ले जाने होते हैं ये सारे यहाँ पे, और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होती है। और ये कोल माइंस दिखता कैसा ये आपको दिखाने की कोशिश की गई है। कोल माइंस में ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है ले जाने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इधर से देखते हैं। और ये अजूबा जैसा है, आपको आधी बॉडी दिखेगी आधी नहीं दिखेगी, मुझे तो अच्छा लगा, मैंने फ़ोटो खिंचवा ली। और आगे ये शीश महल है, यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आपका ये शीश महल है, जैसे लग रहा है हम जंगल में भटक से गए हैं और चारों तरफ अपनी फोटो आ रही है, रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी हम दोनों को मस्ती की। ये जो बीच में बना है ये पेड़ नुमा, लेकिन ये पेड़ है नहीं मित्र, ये शीशे के बीच बीच में जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसमें भटक से जाओगे, भूल भुलैया जैसा है। तो यहाँ बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था है। डर डर के आगे बढ़ना होता था, लगता था कहीं ऐसा तो नहीं शीशे का दरवाज़ा लगा हो, और जहाँ दरवाज़ा लगता था वहाँ खुला हुआ होता था। तो इसे मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसमें से निकलने में, डर डर के मैं निकल रहा था। मेरी बेटी लड़ गई, उधर जा रही थी उधर से लड़ गई, फिर बैग को किया है वो भी भूल गई थी। चलिए इसमें से निकलते, फिर कोशिश को बोलते निकले यहाँ से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल गए। और ये देखिए एक शीशे में प्रतिबिंब बन रही है और दूसरे में नहीं बन रही, ये जो है ये देखिए इसमें बिल्कुल नहीं बन रही और इसमें प्रतिबिंब बन रही है। तो ये भी अपने आप में एक अजूबे जैसा है। और हम लोग फिर आगे आके देखते हैं क्या है। ये भी ये कुआं जैसा लग रहा है, तो इसमें झांक के देखते कितना गहरा है। वाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
पता नहीं क्या है बट ये कुआं जैसा दिख तो रहा है, हो सकता है इसमें भी शीशे का कोई कमाल हो। ये इसको सारे को एक साथ टच करने पर एक म्यूजिक में आवाज़ निकलती है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अंदर कैंटीन की व्यवस्था है। आप यहाँ पे अगर आपको टाइम लग रहा है तो कुछ यहाँ पे आप खा भी सकते हो। और एक बार फिर से आपको बता दूं, ये मैं साइंस सिटी में गुवाहाटी में हूँ और बहुत ही बड़ा ये साइंस सिटी डेवलप किया गया है। आप यहाँ पूरे 4-5 घंटे लगा कर ये देख सकते हैं सब। एक दिन आपको देना होगा इस साइंस सिटी को। ये मिरर मैजिक हम लोग देख रहे थे और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक तो पहुंचाते रहेंगे। ये सब फिजिक्स का कमाल है जो भी है। ये देखिए अपने आप ही ऐसे और भी मस्त रहे। और ये क्या है मुझे खुद ही समझ में नहीं है। तो अब मुझे लग रहा कि यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आप तक सारी चीज़ें पहुँचाऊँ और साइंस सिटी के हर उस पर मेरे कैमरे की नज़र पहुँचे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इस साइंस सिटी में हैं। तो जिस जादुई मिरर की बात मैं भी कर रहा था, ये है इसमें हमने फ़ोटो जो खिंचवाई थी। आगे बढ़ते हैं और ये जो है इसमें क्या होता है, आप नीचे से इसको पुश करोगे तो सेम आकृति ऊपर बन जाएगी। जैसे मैंने हाथ अभी नीचे लगाया, ये देखिए तो ये फिर ऊपर हाथ नुमा आकृति बन के आया गया। फिर हम लोग आ गए झूलने में। मेरी बेटी कह रही थी झूला झूलना है, तो ये झूला झूलने आ गए। और यहाँ का पूरा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है कौस्तुभ, बाइक चलाने जा रहे थे, बाबा ने इनको बैठा दिया बाइक पर। और देखिए बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें, लेकिन इन लोगों का मन सिर्फ झूला झूलने में ही लगा हुआ है। और ये गेम वीडियो गेम भी ये खेल सकते हैं, मार्स मिशन का। अरे वाह, ये तो देखो जैसे मुर्गा है, मुर्गे के ऊपर वो जैसे बैठा हुआ है और बहुत ही खुश है। अब आगे बढ़ते देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे बहुत कुछ खेलने की चीज़ें हैं और कोश की समझ नहीं पा रही मैं किसके साथ खेलूँ पहले। तो कभी भाग के इस पे आ रही है, कभी भाग के उस पे जा रही है। अभी देख रहे हैं कहाँ चली गई है ये। तो कोश की के पास चलते हैं। कोश की कहाँ पे हो तुम? अच्छा वहाँ पे, एक मिनट
यहाँ पे ये कुछ पुतले बने हुए हैं जिनमें आप अपना फेस लगाओगे तो वैसा आकार ले लेंगे। ये देखिए, ये है अब फेस की जगह खाली है, इसमें आपको पीछे से फेस लगाना होता है। तो अब मैं अपनी बेटी को बुला रहा हूँ, वो उसे फेस लगा के फिर मैं देखूँ कैसे लग रहा है। लगाओ बेटे तो फेस। हाँ बिल्कुल प्यारा लग रहा है। अब देखिए, ये थोड़ा सा हाथ आपने अंदर नहीं किया हुआ है। भाग गए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दो तीन पुतले हैं और ये आपको साइंस सिटी दिखा रहा हूँ मैं, गुवाहाटी में। अगर आप गर्मियों की छुट्टियाँ गुवाहाटी में बिता रहे हैं तो साइंस सिटी में ज़रूर आए दोस्तों। यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए और अपने ज्ञान वर्धन करने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। ये देखिए, जो इस नल की मैं बात कर रहा हूँ ना, कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं से कोई पानी नहीं जा रही, फिर भी ये पानी नल से निकल के आ रहा है, कोई पाइप नहीं है इधर उधर से। थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये पानी